गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। तो मैं बस क्विकली करने आई हूँ 10 मिनट्स में गेट रेडी वाला लुक कि कैसे आप 10 मिनट में फटाफट तैयार हो सकते हो। सो अभी ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया था, क्लीन कर लिया था, स्क्रब कर लिया था। अभी मैं बस ये टोनर अप्लाई कर रही हूँ फटाफट से। अब मैं यूज कर रही हूँ ये बेका कॉस्मेटिक का लिक्विड हाइलाइटर। थोड़ा सा मैं हाइलाइटर अपने हाथ में यहाँ पे लूंगी। इसको आप अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स कर सकते हो, अपने फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। ये आपको बहुत ही अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड कर देगा। जैसे मैं आज करने वाली हूँ, मैं ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह नहीं यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज काफ़ी देर मुझे रखना है फाउंडेशन। अब मैं ये इनसाइड कॉस्मेटिक का जो कलर व्हील है ये यूज़ कर रही हूँ, कलर कंसीलर है ये पूरा। इसमें से मैं ये वाला जो थोड़ा डार्क शेड है ना ये यूज करूंगी टू कवर माय डार्क सर्कल। अच्छा, आप में से किस किस को पता है कि डार्क कलर कंसीलर क्यों यूज करते हैं डार्क सर्कल या कलर करेक्ट करने के लिए? जिस जिसको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हाथ से ही बस हल्का हल्का ऐसे ब्लेंड कर दे रही हूँ और मैं बहुत ही लाइट अप्लाई कर रही हूँ, लाइक बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई कर रही हूँ। आप डिफरेंस देख सकते हो। मैं फिंगर की ही हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का फेस है, मैंने हाथ धो रखे हैं। अब मैं ले रही हूँ फिट मी का कंसीलर। थोड़ा थोड़ा सा ये कंसीलर मैं बस अप्लाई करूंगी। अब मैं अपना फाउंडेशन ले रही हूँ और बहुत ही लाइट जहां जहां पे मुझे लग रहा है रिक्वायरमेंट, बहुत ही लाइट इसे मैं अप्लाई करूंगी फेस पे। जहाँ पे मैंने कंसीलर नहीं लगाया है वहाँ पे हमें सिंगल लेयर रखनी है। ऑलवेज कवर योर नेक। मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आप चाहो तो इस पे आप कोई भी फिक्स प्लस वगैरह या फिर मेकअप फिक्सर यूज कर सकते हो। मैंने फाउंडेशन एक दो शेड लाइट ही लगाया है, उसका रीजन है क्योंकि अभी जब मैं कॉन्टोर करूंगी तो मेरा फेस थोड़ा सा ना डार्क दिखने लगेगा। फिर मैं बिल्कुल ही सिमिलर सा शेड लगा लूंगी। एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत लाइट लेयर है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाया है कुछ भी। आप चाहें तो इस प्रोसेस में फाउंडेशन भी स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं अपना पाउडर। अब मैं सबसे पहले अपने अंडर आईज सेट करूंगी पाउडर की हेल्प से। बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ जितनी देर में अपना कॉन्टूर लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी इतनी ही देर में इसको रखूंगी और बाद में रिमूव कर दूंगी। मैं ले रही हूँ अपनी फेवरेट पैलेट और बस हल्का सा हम कॉन्टूर अप्लाई करेंगे ताकि आपका फेस जो है वो शेप पता चले। और मैं हाफ वे तक आके ही खत्म कर दूंगी, मैं आगे तक भी लेके आऊंगी इसे। अब मैं एक पाउडर ब्रश ले रही हूँ और इस पाउडर को मैं हटा दूंगी फेस से ब्लेंड करते हुए। अब मैं इसी पैलेट में से ब्लश ले रही हूँ, बहुत ही लाइट डैबिंग फॉर्म में अप्लाई कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ना लगे।
कोई भी आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश आप ले लीजिए और हल्का सा ब्राउन आई शेडो अपने आईलेट्स पे आप अप्लाई कर लीजिए, बस हल्का सा। और मैंने आईलेट पे कोई फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी नहीं लगाया है, सीधा बस ये पाउडर ब्राउन कलर का मैंने अप्लाई किया है, ब्राउन आई शेडो। जो कॉन्टोर था वो ही शेड मैंने लेके बस अप्लाई किया है, सेम शेड से मैं बस आईब्रोज के जो गैप है वो हल्के से फिल कर लूंगी। नेक्स्ट मैं काजल ले रही हूँ और एक ब्रश से हल्का हल्का सा ये काजल लेके अपनी जो लैश लाइन है उस पे हल्का हल्का सा इसको अप्लाई कर दूंगी। बहुत ज्यादा अच्छे से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रफली बस अप्लाई कर। और एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके सेम ब्राउन आई शेडो जो हमने यूज किया है वो लेके इसे ब्लेंड कर लीजिए। मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, ये तो मेरा फेवरेट है, बिना इसके मुझे मेरी जिंदगी चलती है। अगर मुझे मेकअप करना और मस्कारा ना मिले तो मैं पागल हो जाऊंगी। लिप लाइनर अप्लाई किया है, इसे सेट रखने के लिए ऐसा कैसा मैं यूज करने वाली हूँ फिक्स प्लस। दो मिनट इसे ड्राई होने दीजिए अच्छे तरीके से। That's it for today's video. See you in my next vlog. Bye.